ओम साई राम जी। हाँ, मैं दर्शना शर्मा सैया म्यूजिकल ग्रुप से आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों का साईं बाबा कल्याण करें। ओम साई राम। आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा के साईं सचरित्र प्रसंग में हम संतों का विवरण कर रहे हैं। पहले संत श्री देवीदास जी, फिर संत श्री जानकी दास जी, अब संत श्री आनंदनाथ जी जो येवला मठ से आए थे। जी हाँ, संत श्री आनंदनाथ जी। आनंदनाथ जी अक्कलकोट महाराज के, श्री अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य संत श्री आनंदनाथ जी येवला मठ से, श्री जितने भी शिरडी निवासी थे, जितने भी उन शिरडी निवासियों के साथ ही हमारे आदरणीय आनंदनाथ जी शिरडी में पधारे थे। जब वो शिरडी में पधारे तो बाबा से मुलाकात हुई। बाबा से मुलाकात करने के बाद वो बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता के विषय में अगर सही मायने में कहें तो उन्होंने भी वही कहा जो जानकी दास जी ने हमारे साईनाथ महाराज को पौधों में पानी सींचते हुए देखकर कहा था। उन्होंने भी दूर से देखते ही कहा कि जिस मनुष्य को आप साधारण रूप से देख रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो एक असाधारण व्यक्ति है। जी हाँ, असाधारण। असाधारण मतलब साधारण ही, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, ये एक असाधारण व्यक्ति है। इसके इनके विषय में अभी कह पाना या बताना शायद आप लोग विश्वास ना करें, पर भविष्य में इस सब का आप सबको ज्ञान होगा। और ये बात सत्य भी है कि जब ये बात उस समय, जिस समय सीढ़ी बिल्कुल साधारण सी बनी हुई थी और सीढ़ी भी बहुत ही साधारण अवस्था में था, पानी भी सींचने कहाँ जाते थे, बहुत दूर दूर कुओं से लाते थे, ये उस समय की बात है। तब संत श्री आनंदनाथ जी ने कहा था कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका ज्ञान तुम्हें भविष्य में होगा। अभी शायद आप लोग इस बात पर भरोसा ना कर पाए, पर भविष्य में देखिएगा। और ये सत्य निकला। आज शिरडी में साईनाथ महाराज शिरडी के राजा हैं। जी हाँ, संत श्री आनंदनाथ जी ने जो कुछ भी कहा था वो आज सत्य है। शिरडी के साईनाथ महाराज हम सब के बाबा। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा भविष्यवाणी की संत श्री आनंदनाथ जी ने, और भविष्यवाणी करने के पश्चात वो अपना येवला वापस लौट गए। भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी और उस भविष्यवाणी का जो असर है वर्षों बाद देखने को मिला। धीरे धीरे बाबा की कीर्ति बढ़ी और कीर्ति बढ़ने के पश्चात आज आप सभी जानते हैं कि बाबा स्वयं शिरडी बुलाते हैं हम सबको, कहते हैं बेटी कब आ रही हो शिरडी। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा आप सब से अगले प्रसंग में मिलूंगी। तब तक के लिए ओम साई राम।